नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे पीलीभीत से। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने पीलीभीत कोर्ट पहुंचकर विवेक पांडे नाम के व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया है। विवेक पांडे नाम के ट्विटर हैंडल से वरुण गांधी के पिता को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई, जिसको लेकर वरुण गांधी खुद पीलीभीत कोर्ट पहुंचे और अपने वकील के माध्यम से वाद दायर किया। मीडिया से बातचीत के दौरान वरुण गांधी ने कहा कि वे अपने पिता के मान सम्मान की रक्षा करेंगे। वहीं उनके वकील धीरेन्द्र मिश्रा ने बताया कि कुछ दिन पहले सांसद वरुण गांधी के पिता संजय गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसे लेकर सांसद वरुण गांधी ने कोर्ट में याचिका दायर की है। माननीय सांसद जी आपको बता चुके हैं, अब क्योंकि मामला कोर्ट में सब जुडिस है तो हम समझते हैं कोर्ट की कार्रवाई अब आप लोग होने दीजिए। किसके खिलाफ है ये पूरा मामला? उनके पूज्य पिताजी के खिलाफ एक ट्वीट किया गया है, वो ट्वीट बिल्कुल अपमानजनक भाषा का है, इसलिए एक उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। लोगों ने अपनी बात रखी है, इसलिए मैं न्याय संगत नहीं समझता कि मैं अब इस बात की अभिव्यक्ति आप लोगों के सामने करूं। मेरे पिताजी के संदर्भ में है, उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए, लेकिन जो बात है वो आप तक पहुंच जाएगी। असद के एनकाउंटर और विजय पाल हत्याकांड को लेकर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर पर सरकार पर ही निशाना साध रहा है, जबकि सपा और बसपा के शासनकाल में इन्हीं अपराधियों को सांसद और विधायक का टिकट देकर सत्ता में लाए थे। प्रदेश की योगी सरकार लगातार ऐसे कुख्यात अपराधियों पर शिकंजा कस रही है, जिससे आज प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। दो तीन दिन से जो है एक ऐसा राजनीतिक यहाँ उथल पुथल है कि राजनीतिक चर्चाओं में है कि जब राजू पाल की हत्यारे की है इनकाउंटर में मारा जाता है तो उसमें विपक्षी दल सवाल उठाते हैं, लेकिन राजू पाल के की हत्या में शामिल, राजू पाल की हत्या हुई और उसमें संदीप निषाद के साथ और भी सिपाही की हत्या हुई, उस समय उन जो संदीप निषाद था और एक सिपाही और थे, उनके लिए ये जो विपक्षी बैठे नेता हैं, राजू पाल भी पिछड़ा था, संदीप निषाद भी पिछड़ा था, उमेश पाल जो है जो उनका गवाह था वो जो मारा गया, और संदीप निषाद जो था वो सिपाही वो भी मारा गया, ये जो उमेश पाल और पिछड़े थे और संदीप निषाद भी पिछड़ा था। लखनऊ में रोजा रखे बुजुर्ग शख्स को पीटते हुए दरोगा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद मामले में कार्रवाई की मांग भी की गई है। यह वायरल वीडियो लखनऊ के फैजुल्लागंज क्षेत्र का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सड़क पर उड़ रही धूल मिट्टी को रोकने के लिए बुजुर्ग सड़क पर पानी का छिड़काव कर रहा था। लखनऊ स्थित आईएमआरटी बिजनेस स्कूल में 15वें स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को फ्यूजन फेस्ट नाम दिया गया। पहले दिन कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के चेयरमैन और पूर्व आईएफएस अधिकारी देशराज बंसला ने किया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक सुनील कुमार श्रीवास्तव सहित सभी शिक्षकगण मौजूद रहे, जिन्होंने छात्रों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का पहला दिन खेल प्रतियोगिता के नाम रहा, जिसमें आईएमआरटी कॉलेज सहित लखनऊ के विभिन्न कॉलेजों ने भाग लिया। भाग लेने वाले छात्रों की संख्या करीब 500 रही। प्रतियोगिता में क्रिकेट, चेस, कबड्डी, वॉलीबॉल, गर्ल्स टेबल टेनिस, गर्ल्स और आम रेसलिंग जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। क्रिकेट में आईएमआरटी कॉलेज की टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, तो वहीं चेस में शैया पीजी कॉलेज के कुशाग्र सक्सेना ने गोल्ड, आईएमआरटी कॉलेज के संजय किशोर सिल्वर और एलपीसीपीएस के राजीव सिंह ने ब्रॉन्ज जीता।
टेबल टेनिस गर्ल्स में IMRT कॉलेज की नेहल प्रथम स्थान पर रही। आज के दिन समस्त कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ पूरा हुआ और प्रतियोगी खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। और अब बड़ी खबर, शाहजहांपुर से श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिरी। पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 दर्जन लोगों की मौत की आशंका। मरने वालों में महिलाएं बच्चे भी शामिल। कई लोगों के घायल होने की भी सूचना मिली है। गर्रा नदी में जल भरने आए थे सभी श्रद्धालु। बिरसंगीपुर गांव के पास ये बड़ा हादसा हुआ है, तो ये बस जो है वो नदी में जा गिरी है, जिस वजह से बड़ा हादसा, माफ कीजिए ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में जा गिरी है। पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली जा गिरी, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत यहां पर बताई जा रही है, कई लोग घायल भी हुए हैं। ये बड़ा हादसा यहां हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो नदी में जा गिरी, जिसमें श्रद्धालु सवार थे। गाजियाबाद नगर निगम की महापौर सीट पर समाजवादी पार्टी ने सपा नेता PN गर्ग की पत्नी नीलम गर्ग को प्रत्याशी बनाकर चुनाव के मैदान में उतारा है। किसी भी राजनीतिक दल में सपा ही पहली पार्टी है जिसे इस सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। PN गर्ग वरिष्ठ सपा नेता है, वह लंबे समय से सपा में जुड़े रहे हैं। सपा में टिकट के दावेदार में PN गर्ग की पत्नी नीलम, अधिवक्ता नीलम श्रीवास्तव का नाम सामान्य वर्ग से मजबूती से चल रहा था। सामान्य सीट पर OBC वर्ग की राजदेवी चौधरी रश्मि चौधरी ने भी दावेदारी की थी, लेकिन टिकट हासिल नहीं हुआ। रालोद ने गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद मोदीनगर से विनोद गौतम को चेयरमैन पद का प्रत्याशी बनाया है। नगर पालिका परिषद लोनी से रंजीता धामा को चेयरमैन प्रत्याशी बनाया गया है। नगर पंचायत पतला से रीता चौधरी को चेयरमैन प्रत्याशी घोषित किया गया है। अमरोहा की नगर पंचायत नौगावा सादत के पूर्व चेयरमैन नदीम अब्बास जैदी की पत्नी सुबीना जैदी ने नगर पंचायत नौगावा सादत से अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अगर जनता हमें चुनती है तो हम कस्बे में पानी और हाउस टैक्स फ्री कर देंगे और सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको हम जनता के बीच लाकर ज्यादा से ज्यादा विकास करवाएंगे। नामांकन तो ये इलेक्शन की एक प्रोसीजर है, जो पहला कदम है वो पूरा कर दिया है। अब इंशाल्लाह ताला मैं जनता के दरबार में जाएंगे और जनता ने अपने प्यार से नवाजा और यह मुंतखब किया तो हम उनकी खिदमात के लिए पूरी तरीके से अथक प्रयास होंगे। जो सरकार की योजनाएं हैं उनको वहां से लाके यहां पे लागू कराना और उनको आराम पब्लिक को पहुंचाना। पानी की सप्लाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी जिस दिन से ये चार्ज लेंगी इंशाल्लाह ताला, और जिस दिन तक इनके पास चार्ज रहेगा उस पीरियड का पानी का बिल इनके चेक से जमा होगा। अगर हमें जनता चुनती है तो हम शहर की बुनियादी सहूलियतों को ज़्यादा से ज़्यादा फराहम करने की कोशिश करेंगे। सड़कों जैसे सड़कों की सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, नालियाँ साफ करना, मच्छरों की दवाइयाँ, पानी का टोटल बिल हम अपनी तरफ से पे कर लेंगे पूरा, और हाउस टैक्स हम पूरा कर लेंगे, और जो भी नगर पंचायत में सरकार के तहत जितने भी योजनाएँ होंगे हम उनको पूरा करने के लिए अथक कोशिश करेंगे। कानपुर टीम ने नामांकन व मतदान स्थल का निरीक्षण किया। नामांकन कार्यक्रम सुचारू रूप से कराने का दिशा निर्देश भी दिया। 17 अप्रैल से नगर निकाय चुनाव का नामांकन शुरू होगा। जनता स्कूल में स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा। एक कक्षा में 4 वार्ड का नामांकन होगा। जिलाधिकारी विशाख अय्यर व कमिश्नर जोगदंड व जिले के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे और उप जिलाधिकारी अधिशाची अधिकारी को दिए दिशा निर्देश। देखिए आगामी नगर निकाय चुनाव के दृष्टिकोण से आज हम लोगों ने घाटमपुर नगर पालिका चुनाव जो होना है उसके दृष्टिकोण से पार्टी रवानगी, वापसी और जो स्ट्रॉन्ग रूम और मतगणना, ये सारे अरेंजमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज यहाँ पे आए हैं।
पुलिस आयुक्त महोदय के साथ अब हम लोग अभी भ्रमण कर रहे हैं। सबसे पहले मतगणना और पार्टी रवानगी स्थल और स्ट्रॉन्ग रूम का हम लोगों ने निरीक्षण किया है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो तैयारी होनी है उसके बारे में जो स्थानीय अधिकारी हैं उनको विभिन्न दिशा निर्देश प्रदान किए गए। अब खबर कानपुर से है, जहां गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। विधायक ने शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में मंच, टीन शेड, बाथरूम, सीढ़ियां और गेट के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। विधायक ने बताया कि उक्त पार्क के सुंदरीकरण से आसपास के लाखों लोगों को स्वच्छ वातावरण प्राप्त होगा और पार्क में घूमने से स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों से भी मुक्त रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। विधायक ने कहा कि जल्द ही शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क का कार्य पूरा कराकर जनता को समर्पित किया जाएगा, जिससे रामलीला का मंचन करने आने वाले कलाकारों को सुंदर मंच और कलाकारों के शौच आदि जाने के लिए बाथरूम आदि का निर्माण हो जाने से बहुत राहत मिलेगी। कानपुर जिला जज का लखनऊ इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर हो गया है, जिसे लेकर पिछले कई दिनों से बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ता कई दिनों से हड़ताल पर थे। अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्य से विरत रहने के चलते कानपुर कचहरी का सारा काम ठप हो गया है। जिला जज के लखनऊ ट्रांसफर के बाद कचहरी में हड़ताल खत्म हो सकती है। और अब बड़ी खबर कानपुर से, आपको बता दें, मालिक ने गार्ड को कार से रौंदा। अशोक मसाले के मालिक पर लगे गंभीर आरोप, गार्ड की मौके पर हुई मौत, गार्ड के परिजनों ने पुलिस को दी सूचना, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गार्ड पर गाड़ी चढ़ाने का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि मालिक अशोक मसाले के मालिक ने अपने गार्ड पर ही गाड़ी चला दी और उसे रौंद दिया। ये गंभीर आरोप यहां लग रहे हैं। अब परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है, इसके बाद अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, मालिक ने गार्ड को अपनी कार से रौंदा है, ये आरोप यहां लग रहे हैं। गार्ड की मौके पर ही मौत हुई है और अब परिजनों ने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो अब इस बड़ी कंपनी के मालिक पर गंभीर आरोप यहां लगे हैं, अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। देखिए, यहां पे थाना नवाबगंज क्षेत्र की आजाद नगर ये जो है एरिया है, यहां पर एक घर में आज सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि एक गार्ड की जो है एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है। परंतु यहाँ पर हम लोग आए और यहाँ पे परिजन भी मौजूद हैं। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनका मर्डर किया गया है। यहाँ पर हम लोग आए तो उन्होंने एक घंटे तक गेट ही नहीं खोला। यहाँ पे सब लोग कहते रहे कि गेट खोलो, क्या कुछ नहीं पता, धुलाई हो रही थी, सब कुछ हो गया। उसके बाद जब हम लोगों ने पीछे से गेट खटखटाया बहुत बार, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती की, तब जाके दो तीन लोगों घर के अंदर किया, फिर मम्मी को, मामी को और पापा को अंदर लिया, बस और किसी को नहीं। फिर इधर से मैंने पीछे से भैया लोगों के साथ गेट खटखटाया, तब उन्होंने अंदर लिया। यहाँ पे देखा कि ऐसे बॉडी पड़ी हुई है, कह रहे थे कि गाड़ी में हैंड ब्रेक नहीं था, कार में यहाँ खड़ी थी, मामा नीचे से जा रहे थे, गाड़ी अपने आप नीचे गई और उनको मतलब भिड़ गई उनसे, इसलिए उनका एक्सीडेंट हो गया। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कार्यालय में एक महिला ने जहरीला पदार्थ निकल लिया। आनन फानन में पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। महिला का परिजनों ने जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि महिला ने पुलिस के आला अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए ये कदम उठाया। आला अधिकारी महिला की सुनवाई नहीं कर रहे थे, जिसके चलते महिला ने जहर निगल लिया। मेरे बाप हैं अमजदअली, पानी का वहाँ पे विवाद हमसे हुआ है, वो लोग कह रहे हैं नहीं हम रबड़ लगाएंगे, दूर दूर वाले से आ रहे हैं, हम नहीं लगने दे रहे थे, उसमें उन लोग ने हमसे मारपीट की प्लानिंग करी थी। औरतें हैं, रूबीना नाम की एक लड़की है, उसकी माँ है परवीन, उनकी बहनें हैं। चार दिन पहले मेरी मामा मामी को भी मारपीट करी कि ऐसे ही भरेंगे, कब्जा करें फर्जी का। कौन लोग हैं?
ये लोग मोनिश मामू मामा है हमारे, उनके मकान में कब्जा करे हुए हैं। फिर आपने क्या किया? तो हम वो लोग से लड़ाई हुई कि ये गलत है, इतनी दूर से पानी नहीं जाएगा। उन लोग को कहा तुम उनकी तरफदारी कर रहे हो। आज जन सुनवाई के दौरान फरहा नाम की एक महिला कार्यालय आई थी और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और पुलिस से उन्होंने हेल्प मांगी। पुलिस ने उनको चेयर पर बैठाया और उसके बाद ये जानकारी में आया कि उन्होंने कुछ खा लिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के माध्यम से उनको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज चल रहा है, वो ठीक हालत में है। इनका मामला देखिए, जहाँ तक है कि इनकी बहन के अनुसार बताया जा रहा है कि इन्होंने जहर खाया है। हालांकि हम लोगों ने काफ़ी परीक्षण किया तो पुष्टि नहीं हो पा रही कि कौन सा जहर क्या खाया गया है। हालांकि सब विकसित अवस्था में है ये और इनको होश नहीं है पूरी तरह से। हमने प्रारंभिक उपचार देकर के इनको भर्ती कर दिया है और शाम तक इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है इनको हॉस्पिटल में कौन लाया महिला हॉस्पिटल में इनको पुलिसकर्मी लेके आए हैं साथ। कानपुर के चौबेपुर में बंदी माता तिराये पर सीएनजी बस ने कई वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार सीएनजी बस के नीचे फंस गया, जिसे राहगीरों ने किसी तरह बाहर निकाला। घायल युवक बिल्होर बिलखरा का रहने वाला है, जिसे इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती करवा दिया गया है। इस हादसे में 40 साल की चौबेपुर की रहने वाली महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचे एसपी जीआरपी अष्टभुजा सिंह ने जीआरपी बैरक का निरीक्षण किया। साथ ही बैरक के सुधार के लिए शासन से बजट पास करने के लिए पत्र भी लिखा और अपराधियों को पकड़ने के लिए एसपी जीआरपी ने कहा कि उप निरीक्षकों की टीम बनाकर 15 दिन का विशेष अभियान जीआरपी पुलिस चलाएगी, जो रेलवे आउटर में हो रही घटनाओं को रोकने का काम करेगी और अपराधियों की धरपकड़ भी करेगी। हाँ बिल्कुल सही है, गर्मी के मौसम में अपराध की घटनाओं में वृद्धि होना पाया जाता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए अगले 15 दिन का हमारा विशेष अभियान है। जितने सक्रिय अपराधी हैं, क्रियाशील अपराधी हैं, उनको तलाशेंगे, चिन्हित करेंगे, कार्रवाई करेंगे, ये पहला विषय है। दूसरा, हमारे जीआरपी मुख्यालय से अतिरिक्त हमको आवंटन प्राप्त हुआ है, मैं कानपुर में भी उसको नियुक्त कर रहा हूँ और उप निरीक्षकों के नेतृत्व में टीम बनाकर जो आउटर्स हैं, स्कर्ट हैं, जहाँ पर आप सही कर रहे हैं रुकते हैं, गर्मी के मौसम में पानी की समस्या विकराल रूप ले लेती है। इस मौसम में सबसे ज्यादा पानी की बर्बादी गाड़ियों की धुलाई से होती है। ऐसे में गाड़ी मालिक और धुलाई करने वालों को जागरूक करने के लिए कानपुर ऑटोमोबाइल डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन जन जागरूकता मुहिम चला रही है। जल है तो कल है स्लोगन के साथ 17 अप्रैल से 15 अगस्त तक इस मुहिम को चलाया जाएगा। ऑटोमोबाइल डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जेएस अरोड़ा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वर्कशॉप में वाहनों की धुलाई पानी से न होने पर वो नाराज ना हो। सभी डीलर वाहनों की सफाई के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, ये पूरी तरह सुरक्षित और कंपनी से प्रमाणित होता है। इसके प्रयोग से पानी की बर्बादी नहीं होती। काडा जो है एक रिस्पॉन्सिबल संस्था है, जो अपने आप पिछले कई सालों से बिना किसी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के, जैसे ही समर सीजन स्टार्ट होता है, हम लोग उसको ड्राई वॉश को स्टार्ट कर देते हैं। और आज की मीटिंग भी इसीलिए ही बुलाई गई है ताकि हम लोग अवेयरनेस दे सकें अपने समाज में, अपने ग्राहकों को और प्रशासन को, कि काडा एक जिम्मेदार संस्था है और अपने आप ही ये इनिशिएटिव लेती है। और पिछले कई सालों से हम लोग इसको कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का ये 17 अप्रैल इस बार शुरू हो रहा है और 15 अगस्त तक ऐसे ही चलेगा।
कानपुर देहात के बारौर थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव की घटना सामने आई, जहां एक ही घर में चार सदस्यों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पत्नी और दो बच्चों के घर में शव मिले और पति का फंदे से लटकता हुआ शव मिला। सूचना पर फॉरेंसिक और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अस्त व्यस्त अवस्था में महिला और दो बच्चों का शव मिला है। घटना से क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आईजी रेंज प्रसाद कुमार और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। मृतक पति ने मारने से पहले खुद का वीडियो बनाया था, जिसमें दो लोगों पर घर तोड़ने का आरोप लगाया और अवैध संबंधों को मौत का कारण बताया है। पुलिस वीडियो के आधार पर मृतक के नाम लेने के आधार पर जांच कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। बता दें कि गुजरात में काम करने वाला इंद्रपाल छुट्टी पर अपने घर आए थे। पुलिस ने सबूत इकट्ठा कर वीडियो अपने कब्जे में ले लिया है। ये फिर मेरा भाई यहाँ पे था, भाई था, भाभी थी, दो एक भतीजी थी, एक भतीजा था, चारों लोग एक्सपायर हो गए। कैसे कैसे क्या कर रहा? अब ये हम तो बता नहीं सकते, क्योंकि मैं नदी गया था, नदी से वापसी जब मैं आया हूँ तो छोटे छोटे बच्चों ने बताया कि यहाँ पे आपका मेरा चच्चू ऐसे लटका है। जब उन्होंने बताया चच्चू ऐसे लटका तो हम लोग समझ गए। गाँव के 8-10 लोग मैं साथ में ले के आया। जब यहाँ पे आया तो हमने देखा कि ऐसा ऐसा हादसा था। तुरंत प्रशासन को फ़ोन किया। प्रशासन को फ़ोन करने के बाद प्रशासन आ गई। प्रशासन ने वहाँ पर जाँच की। कन्नौज में मंत्री असीम अरुण ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव के असद एनकाउंटर पर दिए बयान का मंत्री ने पलटवार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी जी सपाई अपराधियों की फसल नष्ट कर रहे हैं, जिस पर अखिलेश को हो रहा है कष्ट। असीम अरुण ने कहा कि उनकी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया योजना थी, हमारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है। कन्नौज में पूरे उत्तर प्रदेश में जो सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है, दिन रात लोग आराम से घूम सकते हैं। हमारी बेटियां, मुझे बड़ी खुशी होती है, साइकिल पे स्कूटर पे घूमती हुई दिखती हैं। ये इसलिए संभव हो चुका है क्योंकि योगी जी ने संकल्प दिखाया, शक्ति दिखाई और ऐसे हर माफिया हर अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की। आज अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, चाहे कोई माफिया हो, इनकी मजाल नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोई गड़बड़ी करे। अतीक के बेटे ने कुछ तो साहस किया था और भूल गए वो कि ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार है, अखिलेश सरकार नहीं, इसमें बच के भाग जाएंगे। 9 से रफ्तार का कहर देखने को मिला है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर। ये बड़ा हादसा यहां पर एक हुआ है। श्रद्धालुओं से भरी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक की मौत, 5 लोग घायल, सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बागेश्वर धाम से दर्शन कर लौट रहे थे कार सवार। थाना तालग्राम क्षेत्र के 174 कट का यह पूरा मामला है। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। श्रद्धालुओं से भरी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक की मौत, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया गया है। तो तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है और श्रद्धालुओं से भरी हुई कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कन्नौज में बुजुर्ग महिला की पीटकर हत्या करने वाले आरोपी को 5 साल की सजा हुई है। अपर सत्र जज प्रथम ने सजा का ऐलान किया। बता दें कि विष्णुगढ़ के मलपुरा निवासी विवेक ने हत्या की थी। 17-वर्षीय पड़ोसन रेशमा देवी की पीट पीट कर यह हत्या की गई थी। शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्र की तटस्थ पैरवी से आरोपी को सजा मिली है। इनकी इलाज के दौरान 16/3/19 को कानपुर के हैलट अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। इस मामले की सतत सुनवाई चल रही थी और इसमें करीब 8 गवाह परीक्षित कराए गए हैं, जिसमें वादी जो मृतका का पुत्र है उमेश चंद, इसको परीक्षित कराया गया है और मृतका की बहू यानी उमेश की पत्नी रेखा देवी परीक्षित हुई हैं। साथ ही उनके परिवार के 2-3 अन्य गवाहों के साथ डॉक्टर और मामले के विवेचक सहित कुल 8 गवाह परीक्षित हुए हैं, जिनकी गवाही के आधार पर और पत्रावली पर आए संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर आज अभियुक्त विवेक सिंह को दोष सिद्ध करार दिया गया है और उसको 5 वर्ष की सजा सुनाई गई। और अब बड़ी खबर, बलिया से छात्र हेमंत यादव की हत्या का मामला। लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ प्रदर्शन, समाजवादी छात्र सभा के सदस्यों का हंगामा। विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर जोरदार प्रदर्शन यहां किया गया। पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लिया है।
इको गार्डन भेजे गए हिरासत में लिए गए छात्र। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर जोरदार प्रदर्शन यहां किया गया, पुलिस ने छात्रों को हिरासत में भी लिया है। छात्र हेमंत यादव की हत्या का यह मामला है। लखनऊ विश्वविद्यालय में जोरदार प्रदर्शन यहां किया गया, समाजवादी छात्र सभा के सदस्यों ने यह जोरदार प्रदर्शन यहां किया है। इसके बाद पुलिस ने छात्रों को हिरासत में भी लेने का काम किया है। इस जोरदार प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसके बाद पुलिस से भी नोकझोंक हुई और पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लिया। सीतापुर जिला कारागार में एक कैदी की मौत के बाद कारागार में कैदियों ने हंगामा काटा। मिली जानकारी के मुताबिक कैदियों ने खाना खाने से इनकार कर दिया और कैदी की मौत की जांच कराने की लगातार मांग की जा रही है। बता दें कि संदिग्ध अवस्था में एक कैदी को जिला कारागार से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसी मामले में जिला कारागार में बंद कैदियों ने हंगामा कर दिया। बता दें कि जिला कारागार से पेशी पर जाते समय गाड़ियों के अंदर से कैदियों ने मीडिया से अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि जिला कारागार में कैसा अमानवीय कृत्य किया गया। उन्होंने जिला कारागार प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी मामले में डीआईजी जेल एके श्रीवास्तव जिला कारागार पहुंच गए। लखीमपुर खीरी में गलत इंजेक्शन से मासूम की तबीयत बिगड़ने के मामले में सीएमओ ने संज्ञान लिया है। सीतापुर मार्ग स्थित रक्षा दवाखाना का ये मामला बताया जा रहा है। डॉक्टरों की लापरवाही से एक साल का मासूम जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। सीएमओ ने कहा कि रक्षा दवाखाना पर संज्ञान लेते हुए जांच की जाएगी और देखा जाएगा कि दवाखाना रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर दवाखाना रजिस्टर्ड होगा तो पार्टिकुलर केस में कार्रवाई की जाएगी। रक्षे वाले डॉक्टर के लगा दिया है, उसके ठीक आधा घंटे बाद घर पहुंचने में इसके ब्लीडिंग मुंह से होने लगी है और यहाँ इंजेक्शन लगा था कूले से भी हो रही। लखीमपुर के सारे डॉक्टरों ने हमें जवाब दे दिया, लखनऊ रेफर कर रहे हैं, हम बहुत परेशान। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।